और यूपी के सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में गठबंधन पर जातिवाद की राजनीति का आरोप लगाया, लेकिन वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। सुल्तानपुर से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी का कैंपेन ट्रेल लगातार जारी है। न्यूज 18 उनके कैंपेन ट्रेल को फॉलो भी कर रहा है। एक गांव में पहुंची, आप देख सकते हैं लोगों से मुलाकात की। अब वो निकल रही है यहाँ से दूसरी सभा के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। आखिर गठबंधन बनाम मेनका गांधी और बगल की सीट पर राहुल गांधी, आखिर क्या होगा चुनाव और किस तरह के बनेंगे समीकरण, ये पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे इस पूरे कैंपेन ट्रेल और मेनका गांधी से जब बातचीत करेंगे। तो मेनका गांधी जगह जगह जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, उनकी सभाओं में लोग भी जुट रहे हैं। किस वोट दे रहे हैं? हम कमल पे भाजपा। चाचा क्या माहौल है? क्या माहौल है? माहौल ठीक है यहाँ। कौन जीत रहा है? भाजपा जीत रही है। भाजपा जीत रही है। मेनका जी आई थी जी, क्या कह के गई? कहे गई कि हम विकास करेंगे यहाँ का, जो नहीं हो रहा वो भी होगा। क्या कहेंगे? मेनका जी का प्रचार चल रहा है, लोग भी आ रहे हैं, वो अपनी बातें भी रख रहे हैं, क्या माहौल है? टॉप क्लास का माहौल है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि एक माँ के आगे कोई और टिकता नहीं है, उनके आगे भी कोई नहीं टिकेगा। जनता बोल रही है। माँ के आगे कोई टिकता नहीं है और कोई टिकेगा भी नहीं, जनता जनता बोल रही है। मैं यहाँ आई थी 19 तारीख, आज मैं आई। मैं कौन हूँ? मेरा नाम मेनका संजय गांधी और मैं 7 सितंबर सांसद बनी। दोबारा किसी को सुल्तानपुर में आना तो अति मुश्किल है और 3 दफा आना तो नामुमकिन है। अभी तक मेनका गांधी लगातार प्रचार कर रही हैं। अब एक गांव में पहुंची हैं जहां वो कहती हैं कि मैं एक माँ हूं और मेरा पूरा नाम मेनका संजय गांधी है और 19 साल की उम्र में मैं यहां पहली बार आई थी, अब तीसरी बार आ रही हूं। जनता बमुश्किल दोबारा किसी को वोट देती है और मैं 7 बार से सांसद रही हूं और 8वीं बार यहां से चुनाव लड़ा। आप देख सकते हैं कि मेनका गांधी जो मंच से भाषण दे रही हैं और जो बाघ है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग यहां बैठे हैं और उनके भाषण को बहुत करीने से वो सुन रहे हैं, यानी सब कुछ साथ में कहीं ना कहीं मेनका गांधी ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ही आपकी हूँ, आपकी माँ हूँ और मैं मेनका संजय गांधी हूँ। वो अपने पति की भी याद दिला रही हैं क्योंकि देहांत के बाद वरुण बहुत छोटे थे और 3 महीने की उम्र में थे, उन्हें पाला है, सेवा करना सिखाया है। कैसे तैयारी चली और किस तरीके से आप चुनाव प्रचार के लिए काफी आकर्षित है? मैं गांव गांव जा रही हूं, अभी तक मैं 350 गांव गई हूं और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव जाकर के सबसे मिलूं। एक सवाल और कि सुल्तानपुर आप आई, इसके पहले वरुण भी थे, उन्होंने भी बहुत लंबे अंतराल से चुनाव जीता था और आप आई, आपने मन से भी कहा कि मैं संजय मेनका गांधी हूं और जो 19 साल की उम्र में थी तो पहली बार आई, आपने यादें भी ताज़ा कराई लोगों को। जी, ये ज़मीन मेरा पति का था, बेटे का था, तो अब मैं आ हूं। एक सवाल और, गठबंधन को कितना चुनौती मानती है और कहा जाता है कि आपकी जो कार्यशैली है वो काफ़ी हार्ड कोर कार्यशैली है और एक एक दिन में 20-20 सभाएं करती हैं और बहुत सारे लोग 5 भी नहीं कर पाते। जी, गठबंधन का जो उम्मीदवार है यहाँ वो शायद नहीं चल पाएगा। सुल्तानपुर की सीट महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ से मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं और उनके बगल की सीट पर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ का चुनाव दिलचस्प है क्योंकि 3 बार विधायक रहे सोनू सिंह यहाँ से चुनावी मैदान में, हालांकि मेनका गांधी इस बात का दावा करती हैं कि मैं वरुण गांधी नहीं हूँ। किस वजह से कहती हैं और किस सेंस में कहती हैं, शायद इसका जवाब सोनू सिंह जरूर दे पाएं क्योंकि वो भी वरुण गांधी के साथ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, किससे सबसे ज़्यादा चुनौती और किस तरह चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव जो भी लड़ रहा है, चुनाव हमसे लड़ रहा है, हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं। और जहाँ तक वो बोलती हैं कि मैं वरुण गांधी नहीं हूँ, तो वरुण गांधी की माँ हूँ, माँ और बेटे में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। वो जैसे कुछ कम चीज़ें करके गए तो वो उससे ज़्यादा कर रही हैं, ना उन्होंने आज तक ये बताया कि हम सुल्तानपुर के लिए करने के आए हैं, ना 5 साल में वरुण गांधी का भी बताए, ना आज पिछले 1.5 महीने से लगातार चुनाव चल रहा, आज तक मेनका जी ने बताया नहीं कि मैं किस उद्देश्य से, कौन सा
मुद्दा लेकर सुल्तानपुर के लिए आए, उन्होंने बताया कुछ नहीं। देखिए छह बार ठीक है, वो छह बार एमपी रहे, 12 बार एमपी रहे, लेकिन उन्होंने पीलीभीत में किया क्या है? अब सबको सब कुछ तो मेरा नहीं, बात सही कि नहीं। मेनका गांधी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लोग कहते हैं कि संजय गांधी का जो रुतबा था, जो लोगों के दिल को वो छूते थे, उसको भी आपने मन से याद दिला और कहा कि उन्होंने चीनी मिल बनाई और अस्पताल बनाए। बिल्कुल सही, लोग संजय जी को बहुत याद करते हैं। आपको भी आगे याद करेंगे। क्या मालूम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी मेनका गांधी, जिन्होंने साफ तौर पर न्यूज 18 से बेबाकी से बात की। उन्होंने कहा कि गठबंधन के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ छलावा है, और जब फैसला आएगा तो वो देखने वाला होगा। और मैं विकास करती हूँ, मैं माँ हूँ, मैं महिलाओं के बीच में जाती हूँ, मैं बच्चों के बीच में जाती हूँ। वो सेल्फी भी खिंचवाती हैं और फोटो जिससे खिंचवाती हैं उसको तुरंत तत्काल उनको सेंड भी किया जाता है। यानी मेनका गांधी का जो अंदाज है, शायद गठबंधन के लिए मुसीबतों भरा होगा, और वो एक जो उनकी कार्यशैली है, 20-20 सभाएं वो करने, शायद और लोगों के लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है। कैमरामैन अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 सुल्तानपुर।